देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट पड़े हैं, अभी बताओ सर पॉइंट पड़े हैं। पार्शियल एंड का देगा, पहले क्या पढ़ा पार्शियल एंड, दूसरा क्या था अराइवल एंड, तीसरा क्या था पार्शियल, फिर ओजोन लेयर को देखा, डिफॉरेस्टेशन देखा, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब, ये डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कैसे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है सब देखा। लेकिन अगर इतने टॉपिक पढ़े हैं, ये सब टॉपिक किसमें आते, किस के किस सिलेबस के बिलोंग करते होंगे, जियोग्राफी का, ऐसे ना कि पूरी जियोग्राफी के यानी पूरा मैटर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, और ये सब्जेक्ट किसका पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी का। जियोग्राफी में क्या नहीं पढ़ रहा है इसको हम, क्योंकि क्या है इश्यूज है, इश्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इश्यू है, और इन इश्यू को सॉल्व करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इन सबको कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ तक, और इनको सॉल्व करने का काम किसका है, पॉलिटिकल साइंस का। तो इन्हीं में से क्या है, यहाँ पर मेजर इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने क्या किए, वर्ल्ड ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए थे अपने किसको कंजर्व करने के, इन सब को, ये जो हमारे इश्यू हमने अभी तक पढ़े हैं, ये अपना मेन रोल कब से स्टार्ट करता है, प्ले करना 1960 के बाद, तब रोल प्ले करेगा 1960 के बाद में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को होश आता है कि हमें क्या करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तब से 1960 के बाद से याद रखना ये ध्यान आता है। लेकिन 1960 के बाद भी जितने प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं कब किसके बाद किए गए होंगे, 1960 के बाद ही किए गए होंगे, इसके बाद किए गए हैं 1960 के बाद किए हैं, याद रखना। देखो जो पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, कह सकते हैं पहला जब भी बोर्ड दी थी, इसी भी 1970 में किसने दिया था, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, कहाँ के थे ये, रोम के, कहाँ के थे, रोम के, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स यानी कई विद्वान बैठे हुए, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट पब्लिश कब हुई इनकी 1972 में, कब पब्लिश हुई रिपोर्ट इनकी 1972 में, और इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा था इन्होंने, लिमिट टू ग्रोथ, याद रखना अच्छी तरह से। 1972 में क्या है, रोम के स्कॉलर्स ने क्या किया, एक अपने रिपोर्ट देते हैं, इस रिपोर्ट का नाम क्या देते हैं, लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि हमें ग्रोथ करना, लेकिन किस में रहकर, लिमिट में रहकर, याद रखना अच्छी तरह से। और इसमें क्या कहा गया था, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है लगातार जो बढ़ती चली जा रही है, वर्ल्ड की जो क्या है पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको अगर क्या उन्होंने बताया कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वर्ल्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कब बता दिया गया, 1972 में, किसने बताया था, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे, कहाँ के स्कॉलर्स थे, क्लब बनाया था उन्होंने, याद रखना एक क्लब बनाया, उस क्लब का नाम क्या दिया था उन्होंने, क्लब ऑफ रोम बोल दिया था उन्होंने, स्कॉलर्स कहाँ थे, रोम के, उन्होंने क्या बनाया, क्लब बना लिया, आपस में कई लोग मिल गए तो क्लब बोल दिया गया, और एक रिपोर्ट दे दिया उन्होंने, किस नाम से दे दिया, नेगेटिव ग्रुप के नाम से रिपोर्ट दे दी, और इस रिपोर्ट में क्या कंसर्न किया उन्होंने, पॉपुलेशन की, अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती चली जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ये किसने कहा, इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा। इसके बाद क्या हुआ, यूएनडीपी, याद रखना अच्छी तरह से, ये क्या यूनाइटेड नेशन का क्या है, ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन एक एजेंसी के तहत वर्क करती है, याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका काम क्या है, ये वर्ल्ड में क्या करती है, एनवायरमेंट के लिए वर्ल्ड में क्या करती है, लोगों का अटेंशन ड्रॉ करती है अपनी ओर, इसका वर्क क्या है, वर्ल्ड में क्या करेगी, लोगों का टेंशन ड्रॉ करने का काम कौन करती है, यूएनडीपी करती है, याद रखना। और ये क्या बताती रहती है, वर्ल्ड में जाती है जहाँ जहाँ ज़्यादा इस तरह के इश्यू चल रहे होते हैं, वहाँ ही क्या करते हैं, अपना एक कॉन्फ्रेंस हेड कराते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हेड करते हैं, और अब पब्लिक बताते हैं, पब्लिक क्या बताते हैं, ये कैसे हमें इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, ये सब काम क्या है, यूएनडीपी करता है, वर्ल्ड में जाता है, इस पर अपनी कॉन्फ्रेंस एड करता है, याद रखना। और वहाँ पर क्या करता है, लोगों को बताता है हमें कैसे नेचर के प्रति रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, अगर नेचर को क्या होगा, नुकसान होगा, और ये क्या करते हैं, हमें कैसे नेचर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब कौन बताता है, यूएनडीपी बताता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यूएनडीपी प्रोग्राम क्या है, और एक बार फॉर्म किया गया था 1972 में, देखो मैंने कहा 60 के बाद ये सब चालू हुआ, रोम की रिपोर्ट कब आई, 1972 में,
इसमें भी अपना काम कब चालू किया 1972 में यूएनओ ने देखो एक काम करना चालू कर दिया। और सेकंड क्वार्टर का नैरोबी, नैरोबी कहाँ पड़ता है केन्या में, नैरोबी कहाँ पड़ता है केन्या, नैरोबी का कैपिटल केन्या की याद रखना इस तरह से। और ये क्या है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, कौन से कंट्री है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, यानी कि ईस्ट साइड इसकी हो गई अफ्रीका की। क्लियर हो गया, कब फाउंड किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नैरोबी केन्या। क्लियर है, किस लिए बनाया गया था ये भी क्लियर है, कंसर्न यानी बताता रहता है कि हमें कैसे क्या करना है। क्लियर हो गया, कौन से दिन वर्ड में हो चुकी है, कई सारे प्रोग्राम क्या हो चुके हैं वर्ड में एंड हो चुके हैं। फिर क्या होता है हमारा एक रिपोर्ट आती है, बर्टलैंड रिपोर्ट आती है, बर्टलैंड रिपोर्ट कब आती है हमारी, ये 1997 में आती है। कब रिपोर्ट आती है 1997 में बर्टलैंड रिपोर्ट आती है। और ये क्या बताती है, यानी कि रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट कैसे दी जाती है, और कॉमन क्वेश्चन करके दी जाती है, रिपोर्ट कैसे दी जाती है, और कॉमन क्वेश्चन करके दिया जाता है। और इसमें क्या बताया जाता है कि हम जो ट्रेडिशनल वे पे हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को ट्रेडिशनल वे पे क्या हो गया, मतलब जो हमारा मेथड क्या रहा होगा स्टार्टिंग में, जैसे हम आजाद हुए तो मतलब हमारा पर्पज क्या रहा होगा, ट्रेडिशनल वे पे रहा होगा। तो कहा अगर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को वैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हम ट्रेडिशनल वे पे करते चले आए हैं, तो क्या होगा नुकसान होगा, क्या होगा उसका नुकसान होगा, हमें क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। ये रिपोर्ट कब देते हैं लोग, 1987 में दी, कब रिपोर्ट दी उन्होंने 1987 में दी। और इसके बाद क्या होगा, हर समय होगा 1992 में क्या होगा, ये हर समय होगा, क्या होगा हर समय 92 में क्या हुआ, एक अर्थ समिट हुआ। उस अर्थ समिट, ये अर्थ समिट कहाँ होता है ब्राजील में, ब्राजील में होता है अर्थ समिट, कहाँ होता है ब्राजील में। और ब्राजील में कहाँ पे, ब्राजील यानी याद रखना साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील है। उस ब्राजील के एक शहर का नाम, जिसका नाम है रियो डी जनेरियो, क्या नाम है रियो डी जिनेरियो, क्या है उस शहर का नाम है। वहाँ पर क्या होता है एक समिट होता है, उस समिट कब होता है 1992 में। और देखो कि अर्थ समिट किसके बाद होता है, बर्टलैंड रिपोर्ट के बाद, जब उसने बताया था क्या कि हमें क्या है कि अपने पर यानी कि हमें अपने तरीकों को क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। जो बर्टलैंड रिपोर्ट दी गई थी उसमें बताया गया था कि एडिशन में भी अगर हम ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या हम अपने आप को क्या करेंगे सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। इसी तरीके को बदलने के लिए हमने क्या किया, एक समिट होती है, उस समिट कब होती है समिट 1992 में, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, कहाँ होती है ब्राजील में, और ब्राजील के एक शहर का नाम है रियो डी जनेरियो। आर्य समझ में, यहाँ पर एक सेशन एड होता है और उसमें लगभग कितने 170 याद रखना अच्छी तरह से, इससे ज्यादा कंपनियां क्या करती है पार्टिसिपेट करती हैं, और लगभग 1000 से ज्यादा एनजीओ क्या पार्टिसिपेट करते हैं। एनजीओ क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये तो ऑफिशियली कहते हैं, नॉन ऑफिशियली कह सकते हैं एनजीओ वगैरह। 1000 से ज्यादा एनजीओ ने क्या किया पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जितनी कंट्रियाँ होती हैं मैंने कहा 170 कंट्रियों के आसपास गैदर होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पर क्या है एकदम नेचर के प्रति कंसर्न शो किया जाता है, नेचर के प्रति क्या किया जाता है अपना अपना कंसर्न शो करते हैं कि कौन कितने कार्बन को यूज करेगा, कौन कितना डेवलपमेंट करेगा, कौन कितने इन्वायरमेंट को यूज करेगा, डेवलप कंट्रियाँ और नॉन डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रियाँ बैठती वहाँ पर और डिस्कस करती हैं इन सब में, इन सारे इश्यू पे क्या किया जाता है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और जो डिस्कस किया जाता है जो रिजल्ट निकलता है उसी को नाम हम क्या देते हैं एजेंडा 21, क्या नाम देते हैं एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं एजेंडा 21। 1900 चीजों क्या किया जाता है इसने लिख दिया हमें, इसको क्या बोल दिया एजेंडा 21। क्लियर हो गया,